हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू न्याय एकेडमी। यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने ये स्पेशल बॉन्डेड लेबर एक्ट 1976 पे अपने ये वीडियोस जो है दो हम पब्लिश कर रहे हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ दिस बॉन्डेड लेबर एक्ट सीरीज। एंड फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि बॉन्डेड लेबर क्या होता है एंड इस एक्ट के आने से पहले कौन से वो प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बॉन्डेड लेबर के खिलाफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। हमने देखा आईपीसी का वो कौन सा सेक्शन है जिसके तहत फोर्स लेबर को प्रोहिबिट किया हुआ है एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड द सेलियंट फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो हमने सेलियंट फीचर्स जो थे इस एक्ट के वो डिस्कस किए थे ब्रीफली। बट टूडे वी हैव टू डू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। जी हाँ, आज हम इस पूरे एक्ट को चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज थ्रेड बाय थ्रेड डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे एंड ये वीडियो देखने के बाद आपका ये पूरा एक्ट जो है खत्म हो जाएगा एंड इट इज वेरी इजी। आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड आपको याद रहेगा। देखिए सेक्शंस भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वो पूछ सकता है विच सेक्शन सेज व्हाट कि ये प्रोहिबिट किया गया है तो कौन से सेक्शन में है। ऑल्सो हम आज ऑफेंसेस पढ़ेंगे जो इस एक्ट के अंदर गिवन है, उनकी पनिशमेंट देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम आज इस एक्ट में डिस्कस करने वाले हैं। जो मेन पार्ट है इस एक्ट का वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड वॉच टिल द एंड। ये वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरा एक्ट समझ आए एंड विदाउट फर्दर डू लेट्स जस्ट स्टार्ट अ वीडियो। बट आई टेक अ फ्यू सेकंड्स बिफोर दैट, हिट सब्सक्राइब एंड थ्रो मी अ लाइक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द न्याय एकेडमी चैनल। लास्ट टाइम मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमने लास्ट जो टॉपिक देखा था वो यही था कि जो एक्ट है उसको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो ये 7 चैप्टर्स हमने लास्टली देखे थे। अब इन्हीं 7 चैप्टर्स को हमें वन बाय वन डिस्कस करना है। चलिए शुरू करते हैं। सो चैप्टर 1 इज प्रीलिमिनरी। देखिए सो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी मतलब इसमें जो प्रीलिमिनरी यानी जो बेसिक चीजें हैं वो बताई गई हैं। तो सेक्शन 1 इसका जो प्रीलिमिनरी का है वो बताता है कि इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है। शॉर्ट टाइटल हम देख ही चुके हैं। शॉर्ट टाइटल है बॉन्डेड लेबर अबॉलिशन एक्ट 1976। एक्सटेंट मतलब कि ये एक्ट किस हद तक लागू होगा, कहाँ कहाँ लागू होगा। सो इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। देन कमेंसमेंट की बात करता है कि ये एक्ट शुरू कब हुआ। देखिए ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस पे एमसीक्यू बनकर आ सकता है कि ये एक्ट जो है किस दिन से लागू हुआ था। सो इट केम इनटू फोर्स ऑन द 25th डे ऑफ अक्टूबर 1975। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। सो ये डेट आपको याद रखनी है एंड आपको ये याद रखना है कि इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। अब सेक्शन 2 पर आते हैं। प्रीलिमिनरी के अंदर इस चैप्टर के अंदर जो सेक्शन 2 है वो डेफिनेशन सेक्शन है। देखिए वैसे हर एक्ट का जो सेक्शन 2 है इट इज ऑलवेज द डेफिनेशन सेक्शन। सेक्शन 2 या किसी किसी एक्ट में, कोई एक या दो एक्ट में सेक्शन 3 होता है। सो यू हैव टू रिमेंबर द सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन ही मिलेंगे आपको हर एक्ट में। सो जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो मैंने यहाँ पे मैंशन किया है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला देखते हैं बॉन्डेड डेट क्या होता है। डेट मीन्स कर्ज। सो बॉन्डेड डेट मीन्स इस एक्ट के हिसाब से एन एडवांस विच इज ऑब्टेन्ड और प्रज्यूम टू हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय बॉन्डेड लेबर। सो बॉन्डेड लेबरर यानी वो बंधुआ मजदूर जो एडवांस लेता है मनी लेंडर से या जो डिफरेंट नेम्स है मनी लेंडर की किसी से भी। सो जो वो एडवांस लेता है इस बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत उसको बॉन्डेड डेट कहते हैं। सो लोन जो उसने लिया है उसको बॉन्डेड डेट कहा जाता है। प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे विच इज बॉन्डेड लेबर। बॉन्डेड लेबर का मतलब क्या है। बॉन्डेड लेबर का मतलब जो उसने लेबर जो सर्विस उसने रेंडर किया, जो मेहनत आना जो मेहनत वो कर रहा है उस मनी लेंडर के लिए, उस लोन को पे करने के लिए जो काम वो कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है इस बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत उसको बॉन्डेड लेबर कहा गया है। बॉन्डेड लेबरर कौन है। देखिए लेबरर मींस यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, यहाँ पे सर्विस की बात कर रहा है, जो सर्विस वो रेंडर कर रहा है, जो काम वो कर रहा है इस बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत उसे हम बॉन्डेड लेबर कह रहे हैं। लेकिन जो पर्सन ये काम कर रहा है वो बॉन्डेड लेबरर है। चलिए अब देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम क्या है। सो बॉन्डेड लेबर सिस्टम की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, घबराइए मत, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। आपको बस इसके जो बेसिक चीजें हैं वो याद रखनी है जो मैं आपको फटाफट से अभी बता देती हूँ हिंदी में ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। देखिए आई अंडरस्टैंड कि अगर आपका लॉ बैकग्राउंड नहीं है आपके लिए इसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसको समझना मुश्किल हो सकता है। बट डोंट वरी, वी आर हियर टू एक्सप्लेन इट टू यू इन अ सिंपल मैनर। चलिए सो बॉन्डेड लेबर सिस्टम क्या है। इट मीन्स द सिस्टम ऑफ
फोर्स्ड और पार्टली फोर्स्ड, एक ऐसा सिस्टम जिसमें जबरदस्ती या पूरी तरीके से फोर्स नहीं है तो पार्टली फोर्स, कुछ हद तक जबरदस्ती लेबर कराया जाता है, ठीक है। और इसमें जो डेटर होता है, डेटर मतलब जिसने कर्ज लिया है, ठीक है, हमारे केस में यहाँ पे डेटर है बॉन्डेड लेबरर जिसको हम कह रहे हैं। डेटर जो है एक अग्रीमेंट में एंटर करता है क्रेडिटर के साथ, क्रेडिटर मतलब यहाँ पे जो मनी लेंडर है जिससे उसने पैसा लिया है, ठीक है। सो डेटर जो है या बंधुआ मजदूर जो है वो मनी लेंडर के साथ एक अग्रीमेंट में एंटर करता है एक ऐसे सिस्टम के तहत जिसमें उसे जबरन या पूरी तरीके से जबरदस्ती या पार्टली फोर्स तरीके से उसको काम करना पड़ता है। साथ ही साथ और क्या हो रहा है यहाँ पे ये समझना जरूरी है, वो क्या कर रहा है इस सिस्टम के तहत, इस अग्रीमेंट के तहत उसे क्या करना है, उसे सर्विसेज रेंडर करने हैं या तो बाय हिमसेल्फ खुद से या उसका फैमिली का कोई मेंबर जो है इस लोन को पे करने के लिए मनी लेंडर को सर्विसेज देगा, या फिर कोई पर्सन जो उस पर डिपेंडेंट है, any person dependent on him मतलब यहाँ पे bonded laborer की बात कर रहा है। So bonded laborer के ऊपर कौन से लोग, देखिए dependent किसको माना जाता है law में, dependent होते हैं जो खुद से अपनी income नहीं कमा सकते, जो dependent है किसी और पर, जो निर्भर है किसी और पर। So generally dependent में children आ जाते हैं, old people जो हैं, अगर कोई उसके बूढ़े माँ बाप हैं, so ये लोग भी person dependent हैं। So यहां पर कह रहा है कि इस अग्रीमेंट के तहत जो डेटर और क्रेडिटर ने किया है फोर्स लेबर प्रोवाइड करने का, इस अग्रीमेंट के तहत या तो वो खुद ये लेबर प्रोवाइड करेगा, खुद ये सर्विस देगा, या उसकी फैमिली का कोई मेंबर देगा, या फिर कोई पर्सन जो उस पर डिपेंडेंट है वो ये सर्विस क्रेडिटर को प्रोवाइड देगा क्रेडिटर के बेनिफिट के लिए, और एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए सर्विस उसको प्रोवाइड करनी हो सकती है या फिर पीरियड अनस्पेसिफाइड भी हो सकता है। सो जरूरी नहीं है कि एक लिमिटेड पीरियड तक ही उसको ये सर्विस देनी है, हो सकता है पीरियड अनस्पेसिफाइड हो। सो ये मनी लेंडर के ऊपर डिपेंड करता है। एंड वेजेस दिए भी जा सकते हैं या फिर नॉमिनल वेजेस। देखिए हमें ये प्रिज्यूम करके चलते हैं कि जब भी ऐसा बॉन्डेड लेबर कराया जाता है किसी से सिस्टम के तहत, वेजेस जो हैं वो पे नहीं किए जाएंगे, पर कई केसेस में अगर पे किए भी जाते हैं तो वो बहुत ही नॉमिनल होंगे, यानी मिनिमम वेज से भी कम जो है, ना मात्र के वेजेस जो है दिए जाते हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट बॉन्डेड लेबर सिस्टम में। सेकेंड देखिए, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि और क्या हो रहा है सिस्टम के तहत, फॉरफिट किया जा रहा है, जब्त किया जा रहा है क्या उस बॉन्डेड लेबर की फ्रीडम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि वो कहीं और जो है काम नहीं ले सकता, वो किसी और तरीके से अपनी आजीविका नहीं कमा सकता। कब तक? फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड और अनस्पेसिफाइड पीरियड, यानी जब तक मनी लेंडर चाहेगा तब तक। और क्या जब्त किया जा रहा है? फॉरफिट द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, वो कहीं भी फ्रीली मूव नहीं कर सकता। मनी लेंडर जो है, हो सकता है कि उसको अपने फार्म पे एक घर दे दे और उसको बोले कि जब तक मेरा डेट पे नहीं करते तुम यहां से नहीं जाओगे और तुम्हें यहीं पर रहकर खेती करनी है और सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कुछ भी। तो हिज राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ऑल्सो फॉरफिटेड अंडर दिस बॉन्डेड लेबर सिस्टम। नेक्स्ट, फॉरफिट द राइट टू अप्रोप्रिएट और सेल एट मार्केट वैल्यू एनी ऑफ हिज प्रॉपर्टी। देखिए और क्या जब्त किया जा रहा है उस लेबरर से, उस बंधुआ मजदूर से, कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है मार्केट वैल्यू पे बेच नहीं सकता किसी को भी, या जो भी उसने लेबर किया है, जो भी उसने मेहनत की है और उस मेहनत से उसने जो कमाया है, उसका प्रोडक्ट जो है उस मेहनत का, या उसके फैमिली मेंबर या किसी जो डिपेंडेंट पर्सन ने मेहनत की है उन्होंने जो कमाया है वो उसे मार्केट वैल्यू पे नहीं बेच सकते किसी भी पर्सन को, अदर देन द मनी लेंडर वो सेल नहीं कर सकते। सो ये राइट भी उनका फोरफिट कर लिया जाता है बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत। सो दीज आर द फोर थिंग्स दैट आर कवर्ड, और ये सारी चीजें अगर हो रही है किसी अग्रीमेंट के तहत तो हम उसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम के अंदर कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और चीज है लास्ट में, ये कह रहा है इट इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ फोर्स्ड और पार्टली फोर्स्ड लेबर अंडर विच अ श्योरिटी फॉर अ डेटर। देखिए यहां पे श्योरिटी भी इंक्लूड किया गया है। सो देखिए श्योरिटी कौन होता है, अगर आप नहीं जानते हैं फटाफट से देख लेते हैं। देखिए ए और बी ये दो पर्सन हैं, ठीक है, ए ने पैसा लिया है बी से लिया है। सो ए हमारा यहाँ पे डेटर हुआ, ठीक है, और बी हमारा क्रेडिटर हुआ जिसने पैसा दिया है उधार पे, ठीक है। सो ए कहता है कि ये पैसा जो मैंने आपसे लिया है, बी को कहता है, अगर मैं नहीं पे कर पाया तो सी जो है ये श्योरिटी दे रहा है कि ये पे करेगा आपको, ठीक है। सो सी इज अ थर्ड पर्सन इस अग्रीमेंट में जो श्योरिटी लेता है, जो गारंटी लेता है एक तरह से कि अगर ए ने पैसा नहीं पे किया तो मैं पे करूंगा। सो ये श्योरिटी को भी यहाँ पे कवर कर रहा है, वो कह रहा है कि अगर किसी अग्रीमेंट में श्योरिटी है सो ही इज ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस सिस्टम। कि अगर यहाँ पे श्योरिटी क्या कर सकता है, अग्रीमेंट में क्या कह सकता है कि अगर ए ने ये जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत सर्विसेज नहीं रेंडर की तो वो श्योरिटी रेंडर करेगा सर्विसेज उस
डेटर के बिहाफ पे, ए के बिहाफ पे, सो दिस इज ऑल्सो कवर्ड। तो आपको याद रखना है कि श्योरिटी जो है वो भी बॉन्डेड लेबर सिस्टम के अंदर यहाँ पे कवर हो रहा है। चलिए अब आते हैं अपने सेकेंड चैप्टर पे। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जो हमें देखना था। अब चैप्टर टू हमारा है अबॉलिशन ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम। देखिए अबॉलिशन मतलब खत्म करना किसी चीज को। तो सेक्शन फोर जो है इस चैप्टर का वो कहता है कि इस एक्ट के शुरू होने पर जितने भी बॉन्डेड लेबरर्स हैं उनको फ्री कराया जाए, ठीक है, वो फ्री हैं, और डिस्चार्ज कर दी उनकी सारी ऑब्लिगेशन। सो जितनी भी उनकी ऑब्लिगेशन थी किसी अग्रीमेंट के तहत, जो पैसा उन्होंने ले रखा था, जो सर्विस उनको जितने टाइम के लिए भी देनी थी, जो करनी थी सर्विस क्रेडिटर के लिए, मनी लेंडर के लिए, उस सभी ऑब्लिगेशन से, उन सारी जिम्मेदारियों से उनको फ्री कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया इस एक्ट में। ऑल्सो आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के शुरू होने के बाद सेक्शन फोर ये भी कह रहा है कि कोई भी पर्सन शेल मेक एन एडवांस इन पर्सुएंस ऑफ द बॉन्डेड लेबर सिस्टम। नो पर्सन, कि कोई भी पर्सन एडवांस नहीं देगा बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत, यानी बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत कोई भी मनी लेंडर जो है पैसा नहीं देगा किसी को। और क्या मना कर रहा है सेक्शन फोर? सेक्शन फोर कह रहा है कि आप कंपेल नहीं कर सकते किसी भी को भी बॉन्डेड लेबर बनने के लिए या बंधुआ मजदूरी करने के लिए, आप फोर्स नहीं कर सकते या किसी भी और तरीके का फोर्स लेबर परफॉर्म करने के लिए उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। सो इस एक्ट के आने के बाद बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिश हो गया। सो यू हैव टू रिमेंबर कि सेक्शन फोर वो सेक्शन है जो कहता है कि इस एक्ट के शुरू होने पर और इस एक्ट के आने के बाद बॉन्डेड लेबर को सारी ऑब्लिगेशन से फ्री कर दिया है बिल्कुल, और कोई भी बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत एडवांस नहीं दिया जाएगा, ना ही किसी पर्सन को मजबूर किया जाएगा बॉन्डेड लेबर देने के लिए। सेक्शन फाइव कहता है कि कोई भी कस्टम अग्रीमेंट या कोई भी और इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत ये बॉन्डेड लेबर जो सर्विस है रेंडर की गई है, जो चली आ रही है, तो ये कस्टम अग्रीमेंट और इंस्ट्रूमेंट जो है वॉइड करार कर दिया इस सेक्शन ने। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर कि सेक्शन फाइव वो सेक्शन है जिसने कोई भी कस्टम अग्रीमेंट या इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत ये बॉन्डेड लेबर सिस्टम चल रहा था या जिसके तहत एक पर्सन को बॉन्डेड लेबर सर्विस जो है किसी मनी लेंडर को देने पर मजबूर कर रहा था, वो सब को वॉइड कर रहा है, नल, जीरो वैल्यू लॉ के तहत में उसकी कर दी सेक्शन फाइव। चलिए अब आते हैं चैप्टर थ्री पे। चैप्टर टू में इतना ही था। चैप्टर थ्री बात करता है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ लायबिलिटी टू रीपे बॉन्डेड डेट, यानी आपने जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत जो डेट लिया था उसको रीपे करने की जो आपकी लायबिलिटी है उसे खत्म कर रहा है ये चैप्टर, एक्सटिंग्विश कर रहा है। चैप्टर सिक्स कहता है जो लायबिलिटी टू रीपे बॉन्डेड डेट है उसे अबॉलिश कर दिया गया है, यानी इस एक्ट के आने पर कोई भी ऑब्लिगेशन बॉन्डेड लेबरर की टू रीपे एनी बॉन्डेड डेट, जो कोई भी उसने बॉन्डेड डेट ले रखा था, कोई भी उसने लोन ले रखा था बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत, अगर वो अभी तक अनसेटिस्फाइड है, अगर वो पूरा नहीं वो पे कर पाया है इस एक्ट के आने से पहले, अगर वो उस कर्ज को पूरा नहीं कर पाया है, तो इस एक्ट के आने के बाद वो पूरा मान लिया जाएगा और वो लायबिलिटी उसकी एक्सटिंग्विश हो जाएगी कि अब उसको वो पे नहीं करना है। साथ ही साथ आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कोई भी सूट या प्रोसीडिंग, कोई भी केस जो सिविल कोर्ट में चल, कोई भी केस नहीं लाई करेगा। सो सपोज ए ने जो है बी से एक बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत उसने 1,00,000 रुपया ले रखा था और इसके बदले वो बॉन्डेड लेबर सर्विस दे रहा था बी को, सो इस एक्ट के आने के बाद बी जो जितना भी अमाउंट उसका पेंडिंग है ए से जो उसने लेना है उसके लिए कोई भी सूट या प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में फाइल नहीं कर सकता या किसी भी अथॉरिटी के सामने ये अपना पैसा रिकवर करने के लिए भी सूट या प्रोसीडिंग फाइल नहीं कर सकता। सो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे सेक्शन सिक्स बात करता है कि कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता किसी भी सिविल कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी के सामने अगर बॉन्डेड डेट जो है वो पूरा नहीं किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोई भी डिक्री या ऑर्डर जो इस बॉन्डेड डेट की रिकवरी के लिए पास की गई है इस एक्ट के आने से पहले, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वो कह रहा है कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के आने से पहले अगर किसी भी कोर्ट ने कोई डिक्री, कोई जजमेंट या कोई ऑर्डर पास किया था बॉन्डेड डेट की रिकवरी के लिए और उस ऑर्डर या डिक्री या जजमेंट पास करने के बाद भी वो जो पैसा है पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हुआ है या पूरी तरीके से पे नहीं किया गया है, तो ये मान लिया जाएगा इस एक्ट के आने के बाद कि वो डेट जो है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुका है या इट इज पेबल इन फुल, ऐसा मान लिया जाएगा। नेक्स्ट सबसेक्शन फोर जो है वो कहता है कि इस एक्ट के आने से पहले अगर कोई प्रॉपर्टी बॉन्डेड लेबरर की
या उसकी फैमिली के किसी मेंबर की कोई प्रॉपर्टी या उसके डिपेंडेंट की कोई प्रॉपर्टी जो जबरन उससे ले ली गई थी, जबरदस्ती ले ली गई थी, किसने, क्रेडिटर ने जबरदस्ती अगर कोई प्रॉपर्टी जो है ले ली थी बॉन्डेड लेबरर से, किसी फैमिली के मेंबर से या डिपेंडेंट से, किस लिए ली थी ये प्रॉपर्टी उसने, किस लिए जबरदस्ती ली थी, ताकि वो अपने डेट की रिकवरी कर पाए, जो पैसा उसने बॉन्डेड लेबरर को दिया था उधार पे उसकी रिकवरी के लिए अगर उसने कोई जबरन प्रॉपर्टी जो है ली थी बॉन्डेड लेबरर की या उसके किसी फैमिली मेंबर की, सो ये जो प्रॉपर्टी उसने जबरदस्ती ली है इसको रीस्टोर कराया जाएगा, शैल बी रीस्टोर, वापस उसको दी जाएगी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, उसी पर्सन को वापस देनी है जिससे ये जब्त की गई थी, सीज की गई थी, सो क्रेडिटर को ये प्रॉपर्टी वापस देनी है, ये भी सेक्शन 6 कहता है। देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसमें बहुत सारी बातें कवर हो रही हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर। सो सबसे पहला देखिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, सेक्शन 6 कह रहा है कि कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी ऑब्लिगेशन जो अगर आपका अनपेड डेट था इस एक्ट के आने के बाद वो एक्सटिंग्विश हो जाएगी, जो भी आपका अनपेड अमाउंट था वो सैटिस्फाइड माना जाएगा, पेबल इन फुल माना जाएगा, आपको अब नहीं पे करना है, ऐसा इस एक्ट ने बोला बॉन्डेड लेबरर्स के लिए। नेक्स्ट, कोई सूट या प्रोसीडिंग नहीं फाइल कर सकते आप कोर्ट में, क्रेडिटर जो है कोई सूट प्रोसीडिंग नहीं फाइल कर सकता इस बॉन्डेड डेट की रिकवरी के लिए। तीसरा जो पॉइंट है वो कह रहा है कि कोई डिक्री या ऑर्डर जो इस एक्ट के आने से पहले किसी कोर्ट ने पास किया हुआ है और उस डिक्री ऑर्डर के तहत अगर कोई अमाउंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, पूरा नहीं पे किया गया है, तो ये फुली सेटिस्फाइड माना जाएगा, वो डेट फुली सेटिस्फाइड माना जाएगा, चाहे डिक्री आ भी चुकी है तो वो डिक्री के तहत भी उसे पूरी पेमेंट नहीं ली जाएगी इस एक्ट के आने के बाद। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि कोई प्रॉपर्टी अगर जबरदस्ती क्रेडिटर ने ली है बॉन्डेड लेबरर की या उसके फैमिली मेंबर से अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, जो प्रॉपर्टी उसने जब्त करी थी जबरन, ये प्रॉपर्टी क्रेडिटर को वापस देनी पड़ेगी, रीस्टोर कराई जाएगी उस बॉन्डेड लेबरर को या उसके फैमिली के मेंबर को या डिपेंडेंट को जिससे भी ये जबरदस्ती ली गई है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अगर ये रेस्टोरेशन, अभी हमने पीछे देखा कि रेस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है कि वो प्रॉपर्टी रीस्टोर करानी है, वापस दिलानी है, अगर इस 30 दिन के अंदर अंदर, कब से 30 दिन, फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, देखिए यहां से एमसीक्यू बन के आ सकता है, वो टाइम पीरियड आपसे पूछ सकता है कि कितने टाइम के अंदर अंदर जो प्रॉपर्टी है वो रीस्टोर करानी है। सो 30 डेज का ये टाइम पीरियड यहाँ पे गिवन है, विद इन द 30 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के शुरू होने के 30 दिन के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी जो है हर क्रेडिटर को अगर उसने जबरदस्ती ली है तो वो रीस्टोर करानी है। और अगर ऐसा नहीं किया क्रेडिटर ने, और जो वो पर्सन है अग्रीव्ड, देखिए अग्रीव्ड पर्सन लॉ में होता है वो पर्सन जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, जो दुखी है, तो अग्रीव्ड पर्सन क्या कर सकता है, वो अप्लाई करेगा, वो एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता, एप्लीकेशन दे सकता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को। देखिए प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जिसको हम एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट भी कहते हैं, तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास वो अपनी प्रॉपर्टी रिस्टोर कराने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है इस रेस्टोरेशन के ऑर्डर को पास करने से पहले क्रेडिटर को एक प्रॉपर मौका देगा सुनवाई का, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देगा सुनवाई की, और उसके बाद ही क्रेडिटर को ऐसी डायरेक्शन दी जाएगी, ऐसा ऑर्डर दिया जाएगा कि वो एप्लीकेंट की, एप्लीकेंट यहाँ पे बॉन्डेड लेबरर हो सकता है या फैमिली मेंबर, सो जिसकी भी प्रॉपर्टी, जिसने भी एप्लीकेशन फाइल की है उसको प्रॉपर्टी रीस्टोर कराने का ऑर्डर इस क्रेडिटर के खिलाफ जो है पास कर दिया जाए। चलिए, और ये टाइम भी बताया जाएगा उस ऑर्डर के अंदर कि कितने टाइम के अंदर अंदर ये प्रॉपर्टी आपने उसको रिस्टोर करनी है, वापस करनी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि वेयर एनी सूट और प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर द बॉन्डेड लेबर सिस्टम इंक्लूडिंग अ सूट और प्रोसीडिंग फॉर रिकवरी ऑफ एनी एडवांस इज मेड टू द बॉन्डेड लेबरर। देखिए ये कह रहा है कि अगर कोई सूट या प्रोसीडिंग, सो कोई भी केस, सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो कोई भी सिविल केस अगर पेंडिंग है कोर्ट में, ठीक है, किसके लिए केस, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी ड्यूटी जो अग्रीमेंट के तहत बॉन्डेड लेबरर ने परफॉर्म करनी थी उसको पूरा करवाने के लिए अगर कोई केस पेंडिंग है, या डेट की रिकवरी के लिए जो एडवांस दिया था उसकी रिकवरी के लिए अगर कोई केस जो है वो पेंडिंग है, कब पेंडिंग है, जब ये एक्ट आया है, यानी इस एक्ट के शुरू होने पर अगर कोई भी ऐसा केस पेंडिंग है तो वो डिसमिस माना जाएगा, वो डिसमिस कर दिया जाएगा। सो ऑल केसेस विच आर पेंडिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है, इस एक्ट के आने पर वो सारे पेंडिंग केसेस जो हैं, सारे सूट्स और प्रोसीडिंग जो हैं, वो चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे एडवांस की रिकवरी के लिए हो या कोई ऑब्लिगेशन एनफोर्स कराने से रिलेटेड कोई सूट या प्रोसीडिंग हो, वो सारे डिसमिस माने जाएंगे, दे शैल स्टैंड डिसमिस। चलिए आगे देखिए, ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एवरी बॉन्डेड लेबरर हु
who has been detained in civil prison. तो देखिए अगर इस एक्ट के आने से पहले कोई अगर ऐसा डिक्री या जजमेंट आई है जिसके तहत जिस बॉन्डेड लेबरर ने पैसा नहीं पे किया, सो कोर्ट ने अगर उसको जेल में डाला है, सिविल प्रिजन में डाला हुआ है, तो ऐसे पर्सन को जो सिविल प्रिजन में है इमीडिएटली रिलीज किया जाएगा, शैल बी रिलीज्ड फ्रॉम डिटेंशन फोर्थविथ. सो इस एक्ट के आने के बाद जो कोई भी बॉन्डेड लेबरर अगर सिविल प्रिजन में है तो उसे इमीडिएटली रिलीज किया गया है. नेक्स्ट सेक्शन 8 पर आते हैं. देखिए सेक्शन 8 कहता है कि जो जिस बॉन्डेड लेबरर को फ्री कराया गया है, ठीक है, उस मनी लेंडर के चंगुल से, उस क्रेडिटर के चंगुल से जिसको फ्री कराया गया है, तो वो अगर किसी होमस्टेड में रह रहा है, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था होमस्टेड क्या होता है, देखिए किसी फार्म हाउस, किसी फार्म पे अगर वो खेती कर रहा है बॉन्डेड लेबरर, क्रेडिटर का फार्म है और वहां पे उसको एक ऐसा घर दे दिया गया है रहने के लिए, सो इस घर को होमस्टेड कह रहे हैं. सो होमस्टेड इज लाइक अ फार्म हाउस. तो अगर कोई भी ऐसे फार्म हाउस में वो रह रहा है या रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में रह रहा है जो क्रेडिटर ने उसको दी है, तो वहां से उसको निकाला नहीं जाएगा. नॉट टू बी एविक्टेड. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये आपने याद रखना है कि सेक्शन 8 कहता है कि उसको निकाला नहीं जा सकता वहां से, ठीक है. आगे देखिए सेक्शन 9. सो देखिए एविक्शन उसकी ऐसे क्रेडिटर जबरदस्ती नहीं कर सकता, प्रॉपर लॉ के तहत उसको लॉफुल रिकोर्स लेना पड़ेगा, लॉ के तहत ही उसको वहां से इविक्ट हो कर सकता है. नेक्स्ट सेक्शन 9 कहता है क्रेडिटर नॉट टू एक्सेप्ट पेमेंट अगेंस्ट एक्सटिंग्विश्ड डेट. देखिए जो डेट एक्सटिंग्विश हो चुका है, देखिए हमने पढ़ा कि इस एक्ट के आने के बाद जो बॉन्डेड लेबर की लायबिलिटी है, जो डेट है, वो सारे एक्सटिंग्विश माने जाएंगे, ठीक है. सो इस एक्ट के आने के बाद ऑल द लायबिलिटी ऑफ द बॉन्डेड लेबर इज एक्सटिंग्विश. सो ये जो एक्सटिंग्विश हो चुका है डेट, ठीक है, हो सकता है कि बॉन्डेड लेबर को ना पता हो कि ऐसा कोई एक्ट आया जिसके तहत उसकी लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो गई है और क्रेडिटर इस बात का फायदा उठा के कोई पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है. तो ऐसी कोई, देखिए सेक्शन 9 स्पेशल रोक लगा रहा है कि कोई भी क्रेडिटर पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद हम ये मान रहे हैं कि डेट जो है वो फुल्ली सेटिस्फाई हो चुका है और जो ऑब्लिगेशन है, जो बॉन्डेड लेबर की ऑब्लिगेशन है, वो एक्सटिंग्विश हो चुकी है. सो क्रेडिटर को खास तौर पे मना किया गया है, रोक लगाई गई है कि वो कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा एक्सटिंग्विश डेट के अगेंस्ट. चलिए नेक्स्ट कहता है whoever contravenes the provisions of subsection 1. अब देखिए मैंने आपको बताया कि देखिए बॉन्डेड लेबर जो होते हैं जनरली वहां पे उनमें लिटरेसी की कमी होती है, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको नहीं पता कि ऐसा कोई एक्ट आया है जिसके तहत उनकी सारी ये ऑब्लिगेशन जो है डिस्चार्ज कर दी गई है, उनको फ्री कर दिया गया है और क्रेडिटर इस बात का फायदा उठा के उनसे पेमेंट फिर भी लिए जा रहा है, एक्सेप्ट किए जा रहा है. तो अगर कोई क्रेडिटर ऐसा करता है, सेक्शन 9 ने एक और इसके अंदर देखिए प्रोविजन डाल के बोला है कि जो सबसेक्शन 1 को वायलेट करेगा, इस सबसेक्शन 1 में जो लिखा है कि पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करनी है, फिर भी अगर कोई क्रेडिटर ऐसी पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो देखिए यहाँ पे पनिशमेंट लगाई गई है. पीनल प्रोविजन यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है कितने टाइम तक की, 3 साल तक की, एंड ऑल्सो विद फाइन, साथ साथ फाइन भी उससे वसूला जा सकता है. सो आपको ये याद रखना है कि क्रेडिटर अगर कोई पेमेंट एक्सेप्ट करता है एक्सटिंग्विश डेट के अगेंस्ट, इस एक्ट के आने के बाद भी अगर वो पेमेंट लेता है बॉन्डेड लेबरर से अपने डेट की, और तो उसको यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक की. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 9 ये बात कहता है, आपको याद रखना है, एमसीक्यू यहाँ से भी बन के आ सकता है कि वो पूछ सकता है कि कितनी सजा जो है, कितनी सजा का प्रावधान किया गया है, तो 3 साल और फाइन, ये आपको याद रखना है. चलिए नेक्स्ट अब आते हैं चैप्टर 4 पे, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज. चैप्टर 4 में देखिए हम सेक्शन 10-12 ये सारे हमारे चैप्टर 4 में आते हैं और ये चैप्टर 4 बताता है कि कौन सी वो अथॉरिटीज हैं जो इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिनको ये कारोबार सौंपा गया है. चलिए स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट पावर देगी, स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी है, ड्यूटीज दी है, किसको दी है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दी है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज द इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हियर, लेकिन उसको पावर और ड्यूटीज उसकी कौन डिफाइन कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट डिफाइन कर रही है. तो हर स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो खुद बताएगी कि अपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को वो कितनी पावर या ड्यूटीज दे रहे हैं ताकि इस एक्ट के प्रोविजन को इम्प्लीमेंट किया जा सके. साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऊपर ऐसी भी वो पावर्स भी दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी नॉट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जो उसका सबॉर्डिनेट जो ऑफिसर है उसको भी ये पावर्स दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है. डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैन ऑल्सो कॉन्फर सच पावर्स ऑन एन ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम. सो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है
ठीक है, इसको देखिए पावर और ड्यूटीज कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। आगे कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ये सारी पावर्स जो दी गई हैं उसको इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सारी पावर्स अपने एक सबॉर्डिनेट ऑफिसर को, जो ऑफिसर उससे सबॉर्डिनेट है उसको भी ये सारी पावर कॉन्फर कर सकता है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप इस बात को याद रखिएगा कि नॉट जस्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बट एन ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, इसको भी ये सारी पावर्स कॉन्फर की जा सकती है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये तो पावर की बात हो गई। देखिए अब ड्यूटी की बात करते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की और जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर है जिसको पावर दी गई है, क्या ड्यूटी है उनकी। दे हैव टू ट्राई टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द फ्रीड बॉन्डेड लेबरर। देखिए इनकी क्या ड्यूटी है कि जिस बॉन्डेड लेबरर को फ्री कराया गया है, ठीक है, मनी लेंडर के चंगुल से जिसे छुड़वाया गया है, ये बंधुआ मजदूरी के चंगुल से जिसको छुड़वाया गया है, उसके वेलफेयर, उसकी भलाई के लिए, वेलफेयर में देखिए क्या आ जाता है, उसको रिहैबिलिटेट कराना, उसको प्रोटेक्शन देना, ठीक है, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर करना, क्योंकि अब पैसा कमाने का कोई जरिया नहीं है उसके पास। सो ये सारी चीजें उसकी भलाई के लिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है कदम उठाएगा, ये उसकी ड्यूटी है, ठीक है, ये सब उसको काम परफॉर्म करना है। सॉरी एक सेकेंड, मैं इंक रिमूव कर दूं ताकि थोड़ा बेटर हमारा स्क्रीन दिखे। चलिए और क्या ड्यूटी है, ये कह रहे इट इज ऑल्सो देयर ड्यूटी टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमारी बात निकल के आई है, ठीक है। सो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इस एक्ट के तहत कोई कंप्लेंट अगर आती है बॉन्डेड लेबरर से, बॉन्डेड लेबर के सिस्टम के अगेंस्ट किसी मनी लेंडर के खिलाफ कंप्लेंट आती है, तो उसमें इंक्वायरी कौन करेगा। सो इंक्वायरी जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या जो उसका सबॉर्डिनेट ऑफिसर, अगर उसे पावर दी गई है तो वो भी कर सकता है। सो इंक्वायरी करनी है उनको, उनकी ड्यूटी है। तो कोई भी कंप्लेंट अगर आई है बॉन्डेड लेबर सिस्टम के अगेंस्ट जो उनके जूरिस्डिक्शन में, ठीक है, ऐसे देखिए हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का जूरिस्डिक्शन डिफाइंड है, फिक्स्ड है, तो किसी भी पर्सन के खिलाफ अगर कंप्लेंट आई है कि वो ऐसे ऐसे बंधुआ मजदूरी करा रहा है किसी से भी, किसी लेबर से, तो उसमें इंक्वायरी कंडक्ट करनी है उनको, ये भी उनकी ड्यूटी है, और जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लेना है। चलिए चैप्टर 5 हमारा जो है वो विजिलेंस कमिटीज के बारे में बताता है। मैंने आपको जो सेलिएंट फीचर्स कराए थे तो मैंने आपको बताया था कि कुछ विजिलेंस कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं इस एक्ट के तहत, और सेक्शन 13 से 15 जो है वो विजिलेंस कमिटीज के बारे में बताते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं कि मेन क्या हमें विजिलेंस कमिटीज में याद रखना है, क्वेश्चन किस किस टॉपिक पे आ सकता है। देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट, देखिए वो ये भी पूछ सकता है कि पावर जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को किस कौन दे रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, सेंट्रल एक्ट है बट पावर स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। सो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाल के ऑफिशियल गैजेट में एक विजिलेंट, एक नहीं जितनी भी चाहे विजिलेंस कमिटीज हैं वो बना सकती हैं, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सब डिविजन्स हैं उनके लिए। देखिए सो हर स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है, ठीक है, कि वो स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है कि ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन निकाल के वो विजिलेंस कमिटीज बना सकते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं एक स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी सब डिविजन्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट और हर सब डिविजन के लिए विजिलेंस कमिटीज बनानी है, ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितनी बनानी है। अब हमें ये याद रखना है यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है इस एक्ट में, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कि विजिलेंस कमिटीज के वो मेंबर्स पूछ सकता है आपसे कि कौन कौन मेंबर्स बन सकते हैं विजिलेंस कमिटीज के। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विजिलेंस कमिटी। सो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है वो खुद या अगर वो किसी पर्सन को नॉमिनेट करता है चेयरमैन के तौर पे। सो देखिए पहले सबसे पहले देखिए जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वही चेयरमैन होगा, लेकिन इफ ड्यू टू सम रीजन ही इज अनेबल टू डू सो तो वो किसी पर्सन को नॉमिनेट भी कर सकता है चेयरमैन के तौर पे, ठीक है। सो चेयरमैन कौन हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय हिम, एमसीक्यू यहां से भी बनकर आ सकता है। सो प्लीज ध्यान से सुनिए इन सारी बातों को। चलिए आगे कह रहे हैं कि 3 persons belonging to scheduled caste और scheduled tribes and residing in the district to be nominated by district magistrate। देखिए 3 लोग जो SC या ST community से belong करते हैं और उस district के अंदर वो रहते हैं, residing है, ठीक है, ऐसे 3 लोग nominate किए जाएंगे district magistrate के द्वारा। सो ये 3 लोग जो है district magistrate खुद अपनी मर्जी से nominate करेगा SC और ST community से। चलिए नेक्स्ट 2 social workers होंगे, ठीक है, 2 social workers होंगे, इन्हें भी नॉमिनेट कौन करेगा, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है आपने और बिल्कुल याद रखना है कि जो विजिलेंस कमेटी, देखिए विजिलेंस कमेटी बनाती तो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसका चेयरमैन है, लेकिन आगे जो मेंबर्स हैं
ठीक है, आपको याद रखना है कि कौन से मेंबर्स को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉमिनेट कर रहा है, कौन से मेंबर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। अभी तक हमने पढ़ा है कि 3 मेंबर्स एससी एसटी कम्युनिटी से, इनको भी नॉमिनेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, 2 सोशल वर्कर्स होंगे जो उसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, रहते वहीं पर है, उनको भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नॉमिनेट करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि नॉट मोर देन 3 पर्सन, 3 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। सो 3 लोग मैक्सिमम कहां से लेने हैं? ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एजेंसीज, ठीक है, ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एजेंसीज को रिप्रेजेंट करने वाले 3 लोग अपॉइंट करने हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एजेंसीज कौन सी ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एजेंसीज की बात कर रहा है? वो एजेंसीज जो रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जो रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट में गांव है उनकी तरक्की से जुड़ी हुई, कोई एनजीओ हो सकती है, ठीक है, पंचायत के कोई मेंबर्स हो सकते हैं। सो इनको नॉमिनेट करेगी स्टेट गवर्नमेंट। नाउ वेरी, देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसको याद रखिएगा कि ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एजेंसीज के जो जहां से मेंबर्स उठाने हैं, जो 3 मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं अपॉइंट किए, नॉमिनेट किए जाने हैं, ठीक है, सो वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। डू नॉट फॉरगेट दिस, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और बाकी 1 पर्सन जो है जो फाइनेंशियल और क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो देखिए हो सकता है जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं वहां से कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, या और जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ये भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं जो गांव में या डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करते हैं। सो कोई भी फाइनेंशियल या क्रेडिट इंस्टीट्यूशन से 1 मेंबर नॉमिनेट किया जाएगा और ये मेंबर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही नॉमिनेट करेगा, ठीक है। सो एक ही केस है, ठीक है, 3 लोग जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एजेंसीज के हैं ये स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नॉमिनेटेड है, बाकी सारे हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही नॉमिनेट करेगा, ठीक है। सो टोटल मेंबर्स आइए देखते हैं कितने हो गए। 1 डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खुद अगर वो चेयरमैन है, ठीक है, और 3 मेंबर्स हमने देखा कि शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब से, 2 सोशल वर्कर्स होंगे, ठीक है, 3 मेंबर्स होंगे जो ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एजेंसीज से होंगे, कौन सी ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल एजेंसीज, जो रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, ठीक है, और 1 मेंबर होगा क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सो 3 + 1 = 4 + 6 एंड ये 10 मेंबर्स हमारे टोटल बनते हैं। आई थिंक 10 ही काउंट है, हाँ जी। सो 10 मेंबर्स हमारे टोटल विजिलेंस कमेटीज के हो गए और हमने देख लिया कि कौन से मेंबर्स कहाँ कहाँ से अपॉइंट किए गए हैं। चलिए, सो ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं फंक्शंस की, कि विजिलेंस कमेटी का काम क्या है, इनके फंक्शंस क्या है। हमने पावर देख ली, ठीक है, हमने मेंबर्स देख लिए, ड्यूटीज हमने, अब इसकी ड्यूटीज पढ़ते हैं कि क्या काम है। सबसे पहला काम है इनको एडवाइस करना है, ये जो विजिलेंस कमेटीज बनाई जाती हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एडवाइस करने के लिए, उसको सलाह देने के लिए बनाई जाती हैं कि किस तरीके से क्या वो एफर्ट्स किए जाएं, क्या कोशिशें की जाएं इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल रिहेबिलिटेशन ऑफ द फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स। इस एक्ट के आने के बाद जिन बॉन्डेड लेबरर्स को फ्री कराया गया है, ठीक है, या किसी भी पर्सन को, किसी भी बॉन्डेड लेबरर को मनी लेंडर के चंगुल से फ्री कराने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति को जो है इंप्रूव करने के लिए और सोशल रिहेबिलिटेशन कराने का काम भी ये विजिलेंस कमेटीज करती हैं, ठीक है, जैसे उनको काम दिला सकती हैं वो कहीं पे, ठीक है, तो पुनर्स्थापन उनका करना है वो विजिलेंस कमेटी का काम है यहाँ पर। नेक्स्ट, टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज विद अ व्यू टू कैनलाइजिंग एडिक्वेट क्रेडिट टू द फ्रीड बॉन्डेड लेबरर। नाउ ये कह रहा है कि विजिलेंस कमेटीज जो है, जो गांव में जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, रूरल बैंक्स होते हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, इनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगी ताकि जो फ्री कराया गया बॉन्डेड लेबरर है उसको क्रेडिट फैसिलिटी आसानी से मिल सके ताकि वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। देखिए, रिहैबिलिटेशन उसको करना है, उसका इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन की बात की है। सो इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन के लिए क्या करती हैं विजिलेंस कमेटीज, रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं ताकि उस पर्सन को, बॉन्डेड लेबरर को जिसे फ्री कराया गया है, इजिली आसान शर्तों पे क्रेडिट मिल सके, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ना हो उसका, इंटरेस्ट रेट जो है मिनिमम से मिनिमम। चलिए, नेक्स्ट कह रहे हैं टू कीप एन आई ऑन द नंबर ऑफ ऑफेंसेस। देखिए, विजिलेंस कमेटी का ये भी काम है कि उन्हें देखना है कि ये जो ऑफेंस इस एक्ट के तहत है, बॉन्डेड लेबर कराना अपने आप में जो ऑफेंस है इस एक्ट के तहत, ऐसे ऑफेंसेस ज्यादा ना हो तो उन पे नजर रखना है, ठीक है, और साथ ही साथ कब कॉग्निजेंस लेना है ऑफेंस का। कॉग्निजेंस होता है टू टेक नोटिस, ठीक है, सो टू टेक नोटिस ऑफ एनी ऑफेंस, तो कोई भी अगर ऑफेंस आपको लगता है इस एक्ट के तहत हुआ है तो उस पर ध्यान देना, एक्शन लेना उसके तहत प्रॉपर। सो ये भी विजिलेंस कमेटीज का काम है। नेक्स्ट, टू मेक अ सर्वे,
तो उनको सर्वे करना है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी रूरल एरियाज हैं सब जगह जाके सर्वे करना है टू फाइंड आउट कि कोई ऑफेंस तो नहीं हुआ है जिसमें कॉग्निजेंस लेना बनता है. नेक्स्ट, टू डिफेंड एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट अ फ्रीड बॉन्डेड लेबरर और अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एनी पर्सन डिपेंडेंट ऑन हिम. सो देखिए, जिस बॉन्डेड लेबरर को फ्री कराया गया है, अगर क्रेडिटर ने उसके खिलाफ कोई सूट फाइल कर दिया है कि इस पर्सन ने मुझसे इतना पैसा लिया था, ठीक है, जितना भी 5 लाख 10 लाख व्हाटएवर, ठीक है, और ये अब रीपे नहीं कर रहा है, तो क्रेडिटर ने अगर कोई सूट फाइल कर दिया है सिविल कोर्ट में, ठीक है, वैसे तो हमने देखा कि वो सूट फाइल नहीं कर सकता, पर इन एनी अदर सिचुएशन, अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पे ही इज एलिजिबल टू फाइल अ सूट, और अगर ऐसा सूट फाइल किया गया है, तो विजिलेंस कमेटीज जो है उस बॉन्डेड लेबरर के बिहाफ पे इस सूट को डिफेंड करेंगी. चलिए नेक्स्ट, सेक्शन 15. सेक्शन 15 बात करता है बर्डन ऑफ प्रूफ की. देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है, अगर आप लॉ बैकग्राउंड से नहीं है, यू माइट नॉट नो व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू. देखिए, किसी भी केस के अंदर दो पार्टीज होती हैं, सिविल केस के अंदर बताती हूं मैं आपको, ठीक है, एक होता है प्लेंटिफ और एक होता है डिफेंडेंट, ठीक है. प्लेंटिफ होता है जिसने जो है प्लेंट फाइल की है, जिसने जो याचिका दायर की है, जो प्लेंट फाइल की है, ठीक है, वो होता है प्लेंटिफ, ठीक है, जो सबसे पहले कोर्ट के पास जाता है कोई प्रॉब्लम लेकर, सो ही इज द प्लेंटिफ, ठीक है. डिफेंडेंट होता है जो दूसरी पार्टी है, इसके खिलाफ जो है प्लेंटिफ ये प्लेंट फाइल करता है. तो देखिए, यहां पर कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, प्रूव करने का बर्डन. क्या प्रूव करने का बर्डन, कि जो ये डेट है, जो लिया है इस पर्सन ने, ठीक है, सपोज ए और बी हैं, ठीक है, और ए इज द क्रेडिटर, ठीक है, इसने बी को 5 लाख रुपए दिए. अब ए ने केस फाइल कर दिया कि बी ने मेरा जो पैसा है ये देना है 5 लाख रुपया, ठीक है. अब ये जो डेट कह रहा है, वेयर, देखिए सेक्शन 15 कह रहा है, व्हेनेवर एनी डेट इज क्लेम्ड बाय अ बॉन्डेड लेबरर और अ विजिलेंस कमिटी टू बी अ बॉन्डेड डेट, द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट सच डेट इज नॉट अ बॉन्डेड डेट शैल लाई ऑन द क्रेडिटर. सो हमारे एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि एक क्रेडिटर है, सो इसको प्रूव करना है कि ये जो मैंने कर्ज दिया है ना बी को, ये बॉन्डेड डेट नहीं है. और बॉन्डेड डेट क्या है, हम डेफिनेशन में देख कर आए हैं, ठीक है, सेक्शन 2 में सबसे पहली डेफिनेशन हमने देखा था बॉन्डेड डेट क्या होता है. सो ये प्रूव करने की जिम्मेदारी किस पर बर्डन है ये प्रूव करने का कि ये जो 5 लाख रुपया बी ने मुझसे लिया है, दिस इज नॉट अ बॉन्डेड डेट, ये कोई बंधवा मजदूरी वाला जो डेट नहीं है, ठीक है, ये एक नॉर्मल डेट है. सो ये प्रूव करने की जिम्मेदारी क्रेडिटर पे है. तो उस मजदूर को, बॉन्डेड लेबरर को या विजिलेंस कमेटी को नहीं प्रूव करना है, वो तो बस ऐसा क्लेम करेंगे कि ये जो डेट है बॉन्डेड डेट है. प्रूफ क्रेडिटर को करना है कि नहीं, ये बॉन्डेड डेट नहीं है, दिस इज एनी अदर डेट एंड आई एम एंटाइटल्ड टू रीपेमेंट ऑफ दिस डेट, ठीक है. सो ए को तो ये प्रूव करना है कि ये कोई एक रेगुलर डेट है, दिस इज नॉट अ बॉन्डेड डेट, और मुझे इसकी पेमेंट जो है वापस मिलनी चाहिए. सो ए के ऊपर, यानी क्रेडिटर के ऊपर, ये सारा बर्डन ऑफ प्रूफ है. चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आइए नेक्स्ट देखते हैं. चैप्टर 6 बात करता है ऑफेंसेस एंड प्रोसीजर फॉर ट्रायल की. चलिए आते हैं अपने चैप्टर 4 पे. चैप्टर 6 विच टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस एंड द प्रोसीजर फॉर ट्रायल. देखिए, सारे ऑफेंसेस हम फटाफट से देख लेते हैं. सेक्शन 16 सबसे पहला इस चैप्टर के अंदर जो है वो बताता है कि अगर आप पनिशमेंट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ बॉन्डेड लेबर, सो बॉन्डेड लेबर अगर किसी से कराई जाती है तो कितनी पनिशमेंट है, तो यहाँ पे बता रहा है कि 3 साल तक की पनिशमेंट है, इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, तो 3 साल तक जेल की सजा एंड फाइन विच में एक्सटेंड टू 2,000 रुपीज. नेक्स्ट सेक्शन 17 बताता है पनिशमेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ बॉन्डेड डेट. तो अगर कोई कर्ज जो दे रहा है, ठीक है, पैसा जो दे रहा है वो बॉन्डेड डेट के तौर पे दे रहा है, तो उसके लिए अलग पनिशमेंट है. सो यहाँ पे जो पनिशमेंट है वो कितनी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 ईयर एंड ऑल्सो विथ फाइन. तो साथ साथ फाइन भी 2,000 रुपए तक का, ठीक है. नेक्स्ट जो सेक्शन 18 के अंदर बात कर रहा है ऑफेंस की, सेक्शन 18 बात कर रहा है पनिशमेंट फॉर एक्सट्रैक्टिंग बॉन्डेड लेबर. देखिए, एक्सट्रैक्टिंग मतलब बंधुआ मजदूरी अगर किसी से करवाई जाती है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम के तहत अगर किसी पर्सन से बॉन्डेड लेबर करवाई जा रही है, तो उससे ऐसा काम निकलवाया जा रहा है, तो एक्सट्रैक्टिंग का यहाँ पे मतलब ये है, तो उसकी सजा है 3 साल तक की, ऑल्सो विद फाइन जो 2,000 रुपए तक का फाइन है, ठीक है. एंड पेमेंट शेल बी मेड टू द बॉन्डेड लेबर एट द रेट ऑफ
5 फॉर ईच डे फॉर विच द बॉन्डेड लेबर वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिम। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं जो फाइन है यहाँ से हम लेंगे उस अक्यूज्ड से या क्रेडिटर से जिसने ये बॉन्डेड लेबर की सर्विस ली है, ठीक है, या जिससे काम निकलवाया है जिस बॉन्डेड लेबरर से, उसको ये जो फाइन ये 2000 रुपए का आएगा, इस फाइन में से जो है बॉन्डेड लेबर को पेमेंट की जाएगी 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए 5 रुपए बहुत ही कम है आज के टाइम से, आई अंडरस्टैंड, बट ये हमें याद रखना है ये एक्ट 1976 में आया, सो उस टाइम के हिसाब से ये प्रोविजन यहाँ पे मेंशन है। फाइन भी हो सकता है कि कम लगे कि 2000 रुपए तो बहुत ही कम फाइन है, विच इज वेरी ट्रू, बट हमें याद रखना है कि एक्ट 1976 में आया था, तो उस टाइम के हिसाब से ये जो प्रोविजन है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सेक्शन 19 बताता है पनिशमेंट फॉर ओमिशन और फेलियर टू रिस्टोर पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू बॉन्डेड लेबरर्स। तो सेक्शन 19 के अंदर देखिए वो कह रहा है कि हमने अभी पीछे सेक्शन में पढ़ा था कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर जबरन क्रेडिटर ने ली है किसी बॉन्डेड लेबरर से, तो वो प्रॉपर्टी उसको रिस्टोर करनी है विदिन 30 डेज। तो विदिन 30 डेज अगर वो नहीं करता है ऐसा, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 ईयर तक की। देखिए हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं 1 ईयर तक की इम्प्रिजनमेंट एंड 1000 रुपीज तक का फाइन, और बोथ दोनों भी इम्पोज किए जा सकते हैं, पनिशमेंट एंड ये फाइन, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन दोनों, ठीक है। तो सेक्शन 19 ये बात करता है कि अगर आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसको आप रिस्टोर करने में फेल हो जाते हैं, ठीक है, या नहीं करते हैं, तो उसकी पनिशमेंट यहाँ पे सेक्शन 19 के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट आइए देखते हैं कि ये जो सारे ऑफेंसेस हैं दे विल बी ट्राइड बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। देखिए हमने देखा कि इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज में कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है, स्टेट गवर्नमेंट ने ये पावर दी है उनको कि बहुत सारे एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, ही इज द इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी। सो ऑफेंसेस जो हैं जो ट्राई किए जाएंगे वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा ही किए जाएंगे, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मे कॉन्फर ऑन एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट पावर्स ऑफ अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, और इस पर्पस के लिए, कौन से पर्पस के लिए, ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए, ठीक है, उनका ट्रायल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स को जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स वाली पावर दे सकती है, कौन सी, जेएमआईसी की या जेएम2 की। देखिए जेएमआईसी मतलब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जेएम2 मींस जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। सो जो इनकी पावर्स हैं, ठीक है, देखिए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास की पावर जनरली होती है कि 3 साल तक की वो सजा दे सकता है, ठीक है, एंड 10,000 जो है फाइन। सो दिस इज हिज पावर। सो ये पावर्स जो है जेएमआईसी और जेएम2 की, ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को स्टेट गवर्नमेंट कॉन्फर कर सकती है ताकि वो ऑफेंसेस का ट्रायल कर सके। और ऐसी पावर्स मिलने के बाद जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है जिसको भी ये पावर दी गई है, ठीक है, सीआरपीसी के पर्पसेस के लिए ऐसे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जेएमआईसी ही माना जाएगा। देखिए इतनी टेक्निकलिटीज में आप नहीं भी जाएंगे तो भी चलेगा, ठीक है, यू कैन इवन चूज टू इग्नोर दिस पॉइंट फॉर योर यूपीएससी ईपीएफओ। हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिर्फ इतनी बात है कि एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जेएमआईसी या जेएम2 वाली सारी पावर्स दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, और दी गई भी है। चलिए अब बात करते हैं प्रोसीजर की। प्रोसीजर ये हम मैंने आपको सेलियंट फीचर्स में भी बताया था कि यहाँ पर समरी प्रोसीजर फॉलो होता है ट्रायल, ठीक है, ये सीआरपीसी के अंदर सेक्शन मेंशन है समरी प्रोसीजर के, समरी ट्रायल के। तो कोई भी ऑफेंस जो इस एक्ट के तहत किया गया है उसका समरी ट्रायल होता है बाय द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट अब आप देखते हैं नेचर ऑफ ऑफेंस की बात करते हैं, हम ये भी सेलियंट फीचर में देख चुके हैं बट लेट्स एक बार दोबारा से देख लेते हैं, लेट्स रिपीट इट अगेन। सो जो नेचर ऑफ ऑफेंस है वो है कॉग्निजेबल एंड बेलेबल। देखिए कॉग्निजेबल जो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि दीज आर अ बिट सीरियस ऑफेंसेस, ठीक है, तो ऑफेंसेस जो है सीरियस है इसलिए उनको कॉग्निजेबल बनाया है, यानी अरेस्ट विदाउट वारंट जो है पुलिस कर सकती है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम दे आर बेलेबल, ठीक है, यानी अक्यूज को जो पर्सन गिल्टी है इस एक्ट के तहत जिसने भी ऑफेंस किया है उसको बेल इजिली मिल सकती है, बेल इज अ राइट, ठीक है। चलिए अब हमने देखिए ऑफेंसेस बाय पर्सन देखा, ठीक है, अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किए वो हम 16 to 19 सारा देख कर आए हैं और हमने देखा कि कौन उसको ट्राई करेगा और हमने देखा कि नेचर क्या है ऑफेंस का। अब अगर यही ऑफेंस कोई कंपनी करती है, अगर कोई कंपनी फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर जैसी कंडीशंस में किसी पर्सन से काम कराती है अपने किसी एम्प्लॉय से, तो कंपनी के जो भी मेंबर्स जब ये ऑफेंस हुआ तो जो भी की मैनेजीरियल पर्सोनल जो है KMP जिनको कहते हैं, जो मेन लोग जो रिस्पॉन्सिबल है इस काम के लिए, ठीक है, जो जब ये ऑफेंस हुआ तो जो लोग कंपनी का बिजनेस चला रहे थे उस वक्त, वो सभी जो है गिल्टी माने जाएंगे ऑफ द ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस, जो इस एक्ट के तहत ऑफेंसेस मेंशन है, ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। देखिए कंपनी, देखिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है,
कंपनी को तो जेल में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो अगर इस एक्ट के तहत जो ऑफेंसेस लिखे गए हैं, अगर किसी कंपनी ने ऐसा ऑफेंस किया है, तो जो लोग उस वक्त कंपनी को रन कर रहे थे, कंपनी का बिजनेस कंडक्ट कर रहे थे, वो सभी लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनको गिल्टी माना जाएगा एंड दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली। चलिए अब सेक्शन 25, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे जो आपको याद रखना है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। देखिए सेक्शन 25 कहता है कि इस एक्ट के आने के बाद जब पावर दे दी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, कि वो ऑफेंसेस जो है ट्राई वो करेगा, सूट और प्रोसीडिंग जो है इसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जो है जाएंगी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं। तो इसके इसलिए एक्ट जो है इस बात को क्लियर कर रहा है कि सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन पे बार लगा दी है, रोक लगा दी है, यानी कोई भी ऑफेंसेस जो है इस एक्ट के तहत अगर होते हैं तो केस जो है वो डीएम के पास जाएगा, ही विल ट्राई द केस, सिविल कोर्ट्स में जो है केसेस नहीं जाएंगे, इवन डेट की रीपेमेंट वाले कोई भी केसेस हैं जो सिविल कोर्ट्स जो है ऐसे कोई भी केस को एंटरटेन नहीं करेंगी, ठीक है। चलिए और ऑफेंसेस के लिए तो हमने देख ही लिया है कि जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो है ही इज दी अथॉरिटी जो ट्राई करेगी ऑफेंसेस। नेक्स्ट इज सेक्शन 26। सेक्शन 26 बताता है पावर टू मेक रूल्स, रूल्स बनाने की पावर दी गई है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर। अभी तक हम हर जगह स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे थे, पर यहाँ पे सेक्शन 26 में याद रखना है कि इस एक्ट के तहत जो रूल्स बनाए जाएंगे, कौन से रूल्स हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। सो इस एक्ट के तहत जितने भी रूल्स हैं उनको बनाने की पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। रूल्स बनाए जाते हैं ताकि एक्ट को इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सके। अब एग्जांपल देखते हैं कि किस किन किन मैटर से रिलेटेड रूल्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल रूल बना सकती है ये बताने के लिए कि कितने टाइम के अंदर अंदर जो एप्लीकेशन फाइल करता है बॉन्डेड लेबरर कि उसकी प्रॉपर्टी उसको वापस दिलाई दी जाए, तो ये एप्लीकेशन आपने कितने टाइम के अंदर अंदर फाइल करनी है। देखिए हमने सेक्शन 6 में देखा था प्रॉपर्टी रेस्टोरेशन के बारे में कि बॉन्डेड लेबर की अगर कोई प्रॉपर्टी क्रेडिटर जबरन जो है कर लेता है तो उसको रीस्टोर कराई जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं करता है क्रेडिटर तो बॉन्डेड लेबरर जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास। तो ये एप्लीकेशन कितने टाइम तक फाइल करनी है, तो इसके टाइम लिमिट के लिए रूल्स बना सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और क्या रूल्स बन सकते हैं कि विजिलेंस कमेटीज जो है वो किस तरीके से चलेंगी, क्या स्टेप्स जो है वो ले सकती हैं, क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती हैं, ठीक है। अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी के पास ये एप्लीकेशन फाइल करनी है, जो फर्स्ट केस में हमने पढ़ा कि ये प्रॉपर्टी की रेस्टोरेशन से रिलेटेड जो एप्लीकेशन फाइल करनी है, तो कौन सी अथॉरिटी के पास वो एप्लीकेशन फाइल करनी है, रूल्स में ये क्लैरिफाई किया जाता है। और एनी अदर मैटर, कोई भी और मैटर जो प्रिस्क्राइब है, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को जरूरी लगता है उस पर वो रूल्स बना के क्लैरिफाई कर सकती है। सो ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। नेक्स्ट लास्टली देखिए मैंने आपके लिए कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस यहाँ पे मेंशन किए हैं बॉन्डेड लेबर के ऊपर, सो दीज आर अ बिट इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो कि कौन से वो केसेस हैं जिसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट ने बॉन्डेड लेबर के ऊपर जो है डिसीजन दिया है या ऑब्जर्वेशन कोई भी अगर दी है। सो सबसे पहला है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज एनजीओ बंधुआ मुक्ति मोर्चा, और 1984 का ये केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू की, गाइडलाइंस इशू की, ताकि बॉन्डेड लेबरर्स को रिलीज किया जा सके, रिहैबिलिटेट, उनका पुनर्स्थापन हो सके। कौन से बॉन्डेड लेबरर्स, जो माइनिंग ऑपरेशन में लगे हुए थे यानी माइंस में जो काम कर रहे थे बॉन्डेड लेबरर्स, तो इनको फ्री कराने के लिए, इनको रिलीज और रिहैबिलिटेट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में गाइडलाइंस दी थी। सो यू हैव टू रिमेंबर कि बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो है वो माइनिंग में, माइंस में काम करने वाले बॉन्डेड लेबरर्स से रिलेटेड है। नेक्स्ट है नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी 1984 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना गुस्सा जाहिर किया किस तरफ, गवर्नमेंट का इंडिफरेंस कि गवर्नमेंट जो है जो अनदेखी कर रही थी बॉन्डेड लेबरर्स के जो रिलीज हुए थे उनको पुनर्स्थापन करने में, उनके रिहैबिलिटेशन में जो सरकार की अनदेखी थी उस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नीरजा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला। नेक्स्ट इज PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, PUCL इज पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, तो ये भी एक एनजीओ है जो सिटीजंस के सिविल लिबर्टीज के प्रोटेक्शन के लिए लगातार काम करती है और बहुत सारे केसेस हैं। सो PUCL वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2004 का ये केस है और कंपैरेटिवली रीसेंट केस है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओस के रोल को अप्रिशिएट किया कि एनजीओस ने बहुत इंप्रेसिव तरीके से काम किया है, बहुत अच्छे तरीके से काम किया है बॉन्डेड लेबर को प्रिवेंट करने के लिए और इन लोगों को रिहैबिलिटेट करने के लिए, इनको फ्री कराने के लिए जो है एनजीओस ने बहुत ज्यादा काम किया है बॉन्डेड लेबरर्स को
फ्री करने के लिए इस फील्ड में। और कोर्ट ने फर्दर ये भी ऑब्जर्व किया कि जुडिशरी को बॉन्डेड लेबरर्स का जो इशू है इसकी तरफ थोड़ा और बेनोवलेंट होने की जरूरत है, थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है ताकि ये प्रैक्टिस जो है खत्म की जा सके इंडिया में से। सो दिस वॉज ऑल इन दिस एक्ट। ठीक है, मैंने पूरा एक्ट आपके लिए कवर किया है, सारे मेन प्रोविजंस हम देख चुके हैं, मैंने केसेस भी आपके लिए अलग से मेंशन किया है सो दैट यू नो इन केस अगर एमसीक्यू आ जाता है। ठीक है, ये लैंडमार्क केसेस हैं जो हमने यहाँ पर देखे हैं एंड दिस वाज ऑल इन द बॉन्डेड लेबर एक्ट। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड इफ देयर इज एनी अदर टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं आपको वीडियो बनाऊं और समझाऊं वो टॉपिक, आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करके बता सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी बताइए इफ देयर इज एनीथिंग कि इस टॉपिक में अगर आपको कोई नहीं समझ आया है कॉमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज।